जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला उनकी एक ऐसी वेब सीरीज का है जिसका नाम बीजेपी के कट्टर समर्थक निर्देशक मधुर भंडारकर के पास पहले से ही सुरक्षित है। अपनी वेब सीरीज से मिलते जुलते नाम वाली सीरीज बनाने पर मधुर ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ सोशल मीडिया पर कर दिया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी से मिलती जुलती कहानी पर फिल्म इंदू सरकार बनाने वाले निर्देशक मधुर भंडारकर को धर्मा प्रोडक्शन की वेब सीरीज द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के नाम पर आपत्ति है। मधुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके करण जौहर से इस सीरीज के शीर्षक को बदलने की गुजारिश की है। साथ ही अब इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूशन एसोसिएशन यानी इम्पा को भी इस मामले में घसीट लिया है। मधुर भंडारकर की ओर से करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि जब मधुर भंडारकर ने बॉलीवुड वाइफ्स पहले से ही पंजीकृत करवा रखा है तो करण ने अपनी वेब सीरीज का शीर्षक द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स क्यों रखा। मधुर भंडारकर ने यह शीर्षक प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया में पंजीकृत करवाया है। इम्पा के गिल्ड को संपर्क करने पर उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि मधुर ने अपनी कंपनी के साथ बॉलीवुड वाइफ शीर्षक पहले से ही पंजीकृत करवा रखा है। फिलहाल इम्पा ने पूरे मामले की जानकारी करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी भेज दिया है। इम्पा ने अपने पत्र में लिखा, हम आपको 20 नवंबर 2020 को गिल्ड से मिली उस पंजीकृत जानकारी को भेज रहे हैं जिसमें कहा गया है कि द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स नाम से कोई भी शीर्षक आपने गिल्ड में पंजीकृत नहीं करवाया है और हम आपको इस बारे में भी आगाह कर देना चाहते हैं कि जब आपने कोई शीर्षक पंजीकृत करवाया ही नहीं तो उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा शीर्षक घोषित करके आपने किस तरह से शीर्षक का पंजीकृत नियम उल्लंघन कर दिया। बता दें कि इस मामले पर अभी तक करण जौहर और उनकी कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2020 में तमाम तरह के विवादों से घिरे रहने वाले करण अब इस मुसीबत से कैसे पार पाते हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।